अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब क्या खैरियत से होंगे। इस वक्त हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ओल्ड एयरपोर्ट रोड पे, और यहाँ पे हमारा शोरबा खाने का मूड है, और यहाँ पे एक तुर्किश ऑथेंटिक शोरमा है, किसी की रिकमेंडेशन पे आए हैं, और थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं कि जी वहाँ पे शोरमा कैसा है, और वहाँ पे शोरमा ट्राई करते हैं और अपने दोस्त से बात करते हैं कि कैसा है। तो चलते हैं शोरमे की दुकान में। तो भाई ये शोरमे की दुकान में आ गए हैं और मज़ेदार है, और लहम शोरमा यहाँ पे मिला और ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे आए हुए और देखते हैं कि कौन सा शोरमा है, और वो चिकन है और ये बीफ है, ये लहम है ना, और ये मशीन इसने लगाई हुई है और इसको है ना बड़ा बेहतरीन तरीके से बना रहा है। और मोहसिन क्या ख्याल है शोरमे का? शोरमा बन रहा है और बंदे ने खोला है कि जी मुझे वीडियो में नहीं आना, तो बेहतरीन शोरमा बना रहा है, और वो सॉस वगैरह यहाँ पे इसने डाली, और ये इसने मैगी डाली, और यहाँ पे इसने माशाल्लाह ये शोरमा रेडी किया, और ये इसकी स्पीड चेक करें आप। और ये जी शोरमा तैयार भी हो गया। तो हम लोगों ने दो शोरमा ऑर्डर किए और बेहतरीन है, तो सॉस वगैरह है, और ये देखिए यहाँ पे ना ये चपाती यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पे वो बना रहे हैं और सॉस वगैरह लगाते हैं, और अंदर वो, और यहाँ पे कुछ सीन वगैरह है खाने पीने का, ये डिफरेंट सीन है, और ये जी शोरमे का वो सीन है। ऐसे जो दुकान है यहाँ पे है, और आपको बोर्ड भी, तो भाई यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम है हबीब रेस्टोरेंट फॉर तुर्किश फूड। और बेसिकली क्या है कि थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, उस बंदे ने बोला है कि मुझे प्लीज़ अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो मुझे आप शोरमा इनके काटते हुए मत दिखाइएगा। तो फिर भी मैंने जितना मैं बना सकता था मैंने बनाया, और थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड वगैरह कर लिया। तो बेसिकली रेस्टोरेंट बहुत फुल है, और ये लोग रेस्टोरेंट वाले मुझे मना कर रहे थे वीडियो बनाने से, तो मैंने फिर मना कर दिया। तो अभी मैंने सिर्फ क्या किया कि शोरमा वगैरह ऑर्डर किया है, और जैसे ही वो शोरमा आएगा तो यहाँ से हम लोग लेके डेफिनेटली घर पर खाएँगे, और या गाड़ी में खाएँगे, और आपको रिव्यू देंगे, और जो भी सीन है वो देखते हैं। शोरमे का साइज देखें, बहुत लंबा शोरमा है, और ये भाई ने ऑर्डर किया, अरबी वरबी में बात की तो उन्होंने है ना दो शोरमे ऑर्डर किए। और शोरमे कितने किलोमीटर का है? शोरमे ये शोरमा है, अरे यार आज शोरमा है, ये अच्छा। दो फुट एक फुट को पता नहीं कितने, दो फुट मेरे ख्याल में आधा मीटर है शायद, आधा मीटर। हाँ। अच्छा तो भाई आधा मीटर था, और एक शोरमा कितने का दिया उन्होंने? 15 रियाल। 15 रियाल। हाँ। और दो शोरमे कितने के हो गए? 30 रियाल। तो भाई ये दो तुर्की का शोरमा है, तुर्की का शोरमा है, पहला ऐसी जगह हम देख रहे हैं जहाँ पे रश है, रश है। और ये पता, उसने मुझे वीडियो नहीं बनाने थी, उसने बोला कि यार वो माइंड करता है, वो उसने माइंड फेस वगैरह माइंड के लेके, फिर भी मैंने ना थोड़ा बहुत कैप्चर कर ही लिया। तो भाई मैं आपको कैप्चर करके तो दिखा दूंगा, शहजाद के कैमरे से कोई नहीं बच सकता, ये बात, मेरे कैमरे से कोई नहीं बच सकता। तो अभी ये शोरमा का हम लोग है ना गाड़ी में बैठ के खाएंगे, आप दिखाना चाहेंगे यहाँ पे फिली भी हमारे पास, अरे वाह। इसके लिए जो स्पीड है, अगर आप मेरे ऊपर देखो तो ये सलीम जावेद, और ये 1960 से है, 1960 यहाँ पे फिली दिखाया ना इनको, अरे अरे ब्लॉग का फिली का भी बनता है शराब है फिली का। हाँ। ये बावर्ची रेस्टोरेंट, अरे यार फिली यार यहाँ पे भी आके अगर फिली ये तो क्या फायदा नहीं, लेकिन फिलीम अपनी अपनी वाली फिलिंग आती है। हाँ फिलीम अपनी वाली। तो भाई ये दोहा में ये जो फिली चाय वाला है, जो ममजर से जिससे स्टार्ट किया था ये टी एंड टॉक, सिर्फ 1991 उसने भाई झंडे गाड़ दिए भाई, ये तो फिली वाला तो हर जगह पे है। और मीट एंड लॉक्स, और ये फलस्तीन फलाफिल रेस्टोरेंट, और बेसिकली यहाँ पे है ना जितना भी अगर आप ये स्ट्रीट देखोगे ना, तो ये जो जितनी भी स्ट्रीट है ये फूड स्ट्रीट है बेसिकली, एक तरीके की लाइक शीशा कैफे, सलून, और क्या क्या चाय वाला, और पीछे वो टी हाउस था लास्ट टाइम आए थे और हम लोगों ने खाना भी खाया था ना यहाँ से, वो कराची गिल, कराची गिल था। तो बेहतरीन यहाँ पे खाना वगैरह है, और हम लोग चलते जा रहे हैं। ब्लॉग अभी अपलोड मत करना, जब हम यहाँ चले जाएंगे फिर अपलोड करना, यहाँ पे जरा बताओ यहाँ पे दुकानों का क्या हाल है बिना बोर्ड के यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे है ना अक्सर जगह पे हम लोग ने देखा तो दुकानें हैं, बट उनके बोर्ड नहीं है। इधर से आ जा भाई,
और जागते हैं, खाते हैं, खाना वाना खाते हैं और रॉयल क्लासिक। अच्छा, सलून में यहाँ पे मैंने एक चीज नोट की है कि रश है। तो ये स्ट्रीट का व्यू है और वो सामने है ना, लेफ्ट साइड पे वॉच रिपेयर की शॉप है और जाना ये रॉयल सलून मस्त हो जाएगी। तो ये भी कुछ रेस्टोरेंट है। तो भाई आपको है ना बहुत भूख लग रही है और गाड़ी वहां पे थोड़ी सी दूर लगी हुई है, तो गाड़ी के पास जाते हैं, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह शायद कुछ लेते हैं पीने के लिए। तो लेट्स सी, उसको खोल ऊपर से। अच्छा भाई, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई बॉडी लेटी हुई है, लपटी लिपटी हुई है। सब देख के आप कुछ गलत मत समझेगा। सर जस्ट सर शॉर्मा। तो भाई ये शॉर्मा है और भाईजान जी भाई, ये आपका चिकन है। चिकन है। तो भाई ये शॉर्मा है और इसको हम खोलते हैं। और अगर आप ये देखो, ये इसमें बीफ है और मैं चेक करता हूँ खाके। नाइस। ये शॉर्मा खाई देखें आप, ये देखें क्रिस्पी। नॉट बैड। तो भैया शॉर्मा आपको दिखा दिया, मजे का है, बेहतरीन है। आप भी सर कुछ खा के रिव्यू दे देंगे? नहीं, मैं रिव्यू नहीं दे सकता, थोड़ा ऊंचा बोल ले, आगे वाले लिस्ट में बैरे नहीं है। अच्छा यार, अच्छा अगर बताइए, खुबस नहीं रोटी है उसने यार रोटी में दिया, जैसे हमारी वो पाकिस्तानी रोटी नहीं होती तंदूर वाली। इट्स नाइस। तो भाइयों ये रेस्टोरेंट का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं किसी और जगह पे, किसी और शॉर्मे वाले के पास। अल्लाह हाफिज़।